आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई वैसे तो वो महिला हर रोज साढ़े आठ बजे तक आ जाती है आज साढ़े नौ बजने को आए फिर भी नहीं आई बिना उसके आए दुकान बंद भी तो नहीं कर सकता उसे वचन जो दिया है क्या नाम था उसका इतने दिनों में उसका नाम भी नहीं पूछा मैंने ये सब बातें महेश के दिमाग में चल रही थी कुछ दिनों पहले ही तो उसने ये डेयरी शुरू की थी उसकी ये शॉप ज़्यादा बड़ी नहीं थी जिसमें वो दूध और बाकी मिल्क प्रोडक्ट्स रखता था उद्घाटन के दिन ही पहली ग्राहक बन एक महिला उसके शॉप पर आई थी उसकी गोद में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही प्यारा बच्चा था उसने एक दूध की बोतल ली और महेश से बोली भैया अभी मेरे पास सिर्फ दस रुपये हैं बाकी के आपको कल दूँ तो चलेगा महेश ने एक बार फिर उसकी तरफ देखा गरीब थी बेचारी गले में मंगल सूत्र नहीं माथे पर सिंदूर नहीं, शायद पति मर गया होगा बेचारी का महेश ने अंदाजा लगाया। पुरानी मैली साड़ी को कई जगह रफू किया हुआ था माथे से पसीने की बूंदें बह रही थी फिर उसकी नज़र उस मायूस मासूम बच्चे पर गई जिसके मैले चेहरे पर एक निष्पाप हंसी थी और अभी अभी आए दो दांत उस हंसी को चार चांद लगा रही थी महेश ने उस महिला की तरफ देखा और बोला कोई बात नहीं बहन जी आप मुझे बाद में पैसे दे देना बड़े समाधान के साथ महिला ने रमेश की तरफ देखा और बोली भैया मैं ज़रूर आपको कल पैसे दे दूँगी यहीं पास में ही उस दूसरी गली में छोटा सा घर है वहीं रहती हूं मैं महेश मुस्कुराते हुए बोला कोई बात नहीं बहन कल पैसे ना हो तो भी चलेगा जब आपके पास होंगे तब दे देना फिर वह महिला वहाँ से चली गई अगले दिन वह महिला पैसे लेकर डेयरी पर आई और पैसे महेश को देने लगी महेश ने पैसे लेने से मना किया और बोला नहीं बहन मैं यह पैसे नहीं ले सकता क्योंकि कल आपने मेरी बोनी की थी और कल मुझे दो हज़ार का फ़ायदा हुआ आप मेरे लिए बहुत लक्की साबित हुई इसलिए ये पैसे मैं नहीं ले सकता महेश की कही इस बात से उस महिला को बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि इतने सालों बाद किसी ने पहली बार उसको लक्की कहा था वरना पति की मौत के बाद तो उसके ससुराल वालों ने उसे पनौती कहकर घर से ही निकाल दिया था भैया रात को कितने बजे तक आपकी यह शॉप खुली रखते हैं महिला ने महेश से पूछा आठ बजे बंद कर देता हूँ बहन महेश ने कहा महेश का जवाब सुनकर महिला का चेहरा थोड़ा उदास हो गया महेश को यह समझते देर नहीं लगी उसने पूछा कोई समस्या है बहन अपने बच्चे और अपना पेट पालने के लिए मैं दो घरों में झाड़ू बर्तन का काम करती हूँ यह सब काम करके रात को साढ़े आठ बजे घर लौट पाती हूँ तब तक यहाँ आस पास के सभी दुकान बंद हो जाती हैं और लाचारी से मुझे अपने बच्चे को भूखे पेट ही बहला फुसला सुलाना पड़ता है वह बोल नहीं सकता ना उसी का फायदा उठाती हूँ कहते हुए उस महिला का गला भर आया महिला की बातें सुन महेश को बहुत बुरा लगा फिर वह बोला आप चिंता मत कीजिए बहन बिना आपको दूध की बोतल दिए यह शॉप बंद नहीं होगी लेकिन मेरी एक शर्त है अपने आंसू पोछते हुए महिला ने महेश की ओर देखा और पूछा क्या शर्त है महेश बोला आप मुझे दूध के पैसे नहीं देंगी यह सुन उस महिला की आंखें फिर छलक गईं, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं खुशी के थे उसे ऐसा लग रहा था जैसे इंसान के रूप में भगवान उसकी मदद करने आ गए हों उस दिन से हर दिन साढ़े आठ बजे वो डेयरी पर आकर दूध की बोतल लेकर जाती धीरे धीरे पाँच महीने बीत गए और धीरे धीरे महिला बीमार होने लगी ज़्यादा काम और चिंता की वजह से उसका शरीर दिन ब दिन सूखता जा रहा था ऐसे ही एक दिन महेश अपनी दुकान का सारा काम ख़त्म कर इस महिला के आने का इंतजार कर रहा था साढ़े नौ बजे वो महिला आई आज उसका चेहरा कुछ ज्यादा ही बेजान नजर आ रहा था बीमारी के कारण आंखों के नीचे काले घेरे और ज्यादा बढ़े हुए नजर आ रहे थे महेश ने तुरंत फ्रिज खोला और दूध की बोतल निकालकर उसे दी फ्रिज बंद करने के लिए महेश मुड़ते हुए बोला कि बहन आज कुछ ज्यादा ही देर कर दी वो घूमा तब तक तो वो महिला दूध की बोतल लेकर जा चुकी थी उसने सोचा आज ज़्यादा देर हो गई इसलिए वो जल्दी चली गई होगी बेचारी का बच्चा रोता होगा भूख से फिर महेश ने दुकान बंद की और घर चला गया अगले दिन ठीक आठ बजे वो महिला शॉप पर आई और आकर बिना कुछ बोले खड़ी हो गई हमेशा की तरह महेश ने उसे दूध की बोतल दी कोई चीज नीचे गिरी तो उसे उठाने के लिए महेश नीचे झुका वो चीज उठाई और सामने देखा तो वो महिला वहां नहीं थी महेश को आज पता नहीं क्यों उस महिला में काफी बदलाव नजर आया था उसे वो बड़ी कमजोर सी नजर आई अगले दिन फिर आठ बजे वो महिला उसके शॉप पर आई आज महेश ने उसका चेहरा बड़े गौर से देखा उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था मानो उसके चेहरे का तेज कब का जा चुका हो उसने सोचा बेचारी गरीब महिला करे भी तो क्या ना ना किसी का सहारा अच्छी आमदनी जरूर पैसों की कमी की वजह से बीमार होते हुए भी दवाई नहीं कराई होगी महेश जल्दी से अपनी शॉप बंद कर अपने घर गया घर जाकर उसने ये सारी बात अपनी पत्नी को बताई उसकी पत्नी भी उसकी ही तरह भले स्वभाव की थी उसे भी उस महिला की परिस्थिति पर दुख हुआ वो रमेश से बोली ऐसा करते हैं कल उस महिला के घर चलते हैं और उसे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा आते हैं रमेश को अपनी पत्नी की बात सुन उस पर गर्व हुआ क्योंकि उसके विचार भी उसी की तरह दूसरों के प्रति परोपकार के थे अगले दिन सुबह दोनों उस महिला के घर जाने को रवाना हुए महेश को उसका पता ठीक से याद था जब वे उस छोटी सी गली में पहुंचे तब वहाँ एक छोटा सा मकान था जिसके आसपास दूर दूर तक और किसी का घर नहीं था जैसे जैसे वे उस मकान की तरफ बढ़ते जा रहे थे वहाँ एक बदबू तेज होती जा रही थी दोनों उस मकान तक पहुंचे वो दरवाज़ा खटखटाया ही था कि वो खुल गया और वो बदबू असहनीय रूप से बढ़ गई फिर भी दोनों अपने नाक पर कपड़ा रख उस अंधेरे मकान में घुसे जहाँ बच्चे के खेलने की आवाज़ आ रही थी महेश ने किसी तरह स्विच ढूंढकर मकान की लाइट जलाई और उसने सामने जो दृश्य दोनों ने देखा वह देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई उस कमरे में उस मासूम बच्चे की माँ मरी हुई पड़ी थी उसे देखकर लग रहा था कि वह तीन चार दिन पहले ही अपना देह त्याग चुकी है क्योंकि धीरे धीरे उसका शरीर सड़ने लगा था निर्जीव पड़े उस शरीर की आंखें देखकर लग रहा था जैसे रो रो कर सूख चुकी हो निर्जीव होते हुए भी उस महिला की दोनों आंखें अपने बेटे को ही देख रही थी उसका बच्चा भी अपनी मां की आंखों में देखकर खेल रहा था जैसे उसे लग रहा हो कि माँ उसके साथ खेल रही है और उसका पूरा ध्यान उसी पर है। वहीं पास में ही दूध की तीन -चार खाली बोतलें पड़ी हुई थी यह दृश्य देखकर महेश और उसकी बीवी दोनों अचंभित रह गई दोनों के रोंगटे खड़े हो गए महेश को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि एक मरी हुई मां अपने बच्चे के लिए उसके पास से दूध लेकर जाती थी महेश ने और उसकी बीवी ने उस महिला का विधिवत अंतिम संस्कार किया और उस बच्चे को महेश ने अपनी बीवी के हाथों में रखा उसने भी उस बच्चे को बड़े प्यार से लिया और दोनों ने उस बच्चे को गोद ले लिया महेश को अपनी पूरी जिंदगी यह ध्यान रहा कि उस बच्चे की माँ अभी भी उसके साथ है और उस पर नजर रखे हुए हैं दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद